हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़ीनोज़ोन। गाइस, हम लोग यहां पर वापस आ चुके हैं भाई सबसे ज्यादा एडिक्टिव गेम जिसका नाम है यहां पे मॉन्स्टर लेजेंड्स, या फिर आप लोग इसको यहां पर पैलवर्ल्ड मोबाइल भी कुछ हद तक कह सकते हो, क्योंकि भाई यहां पर भी आप लोगों को पोकेमॉन्स वाला मजा मिलता है एकदम। देख सकते हैं यहां पर हमारी जो स्टोरी है वो आगे बढ़ रही है। हम लोग यहां पर लास्ट वीडियो के अंदर, यानी कि हमारी इस गेम की पहली वीडियो के अंदर, जो पहले आइलैंड का मिनी बॉस था, हम लोग उसको मार चुके हैं। यहां पर ये क्या आ चुका है? तो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर एक स्पेशल आइलैंड जो है वो हमारे सामने आ चुका है। चलो इसको हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, टैप करते हैं हम लोग यहाँ पे मेज आइलैंड की तरफ। ठीक है, ओ तो ये बेसिकली हम लोगों को बता रहा है कि यहाँ पर भी हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मॉन्स्टर्स मिल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये तीन पोकेमोन है जिनको हम लोगों को मूव कराना है, और जहाँ जहाँ जाएंगे हम लोगों को उस चीज़ के रिवॉर्ड मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों का एको कैरेक्टर अनलॉक हो गया है। अच्छा तो हम लोग इसको यहीं से चला सकते हैं आगे तक। बढ़िया, समझ गया। तो हम लोग यहाँ पर जब गोल्ड कॉइन्स मिलेगा हम लोगों को, फूड मिलेगा, ब्रीडिंग करेंगे, हैच करेंगे। अरे नोटिफिकेशन हट जाए यार। तो हम लोग को इन सब चीज़ों से मेस कॉइन्स मिलेंगे, और उन मेस कॉइन्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इन तीन पोकेमॉन में से किसी एक को मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे फिलहाल तो हमारे पास यहाँ पर 120 हैं, 120 है, जीरो है, आई गेस 120 है, लेफ्ट वाला राइट वाला है पता नहीं, फिलहाल तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, बट कोई बात नहीं। हम लोग गाइस वापस चलते हैं हम लोगों के बेस की तरफ, जहाँ पर देख सकते हैं भाई हम लोगों ने यहाँ पर दो फार्म बना लिए हैं। हम लोगों का जो फायर आइलैंड है, अर्थ आइलैंड है, रॉक आइलैंड है, और उसके साथ में हम लोग यहाँ पर भाई ताबड़तोड़ खाना बनाए जा रहे हैं। एक और फार्म लगाया था यहाँ पर मैं, ये देखो भाई अब हमारे पास यहाँ पर तीन तीन किचन है जहाँ से हम लोगों के पोकेमॉन्स के लिए भाई खाना बनने वाला है बहुत ही भयंकर। क्या मैं चौथा भी बना सकता हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ भाई। अब हमारे जो पोकेमॉन्स थे भाई, आप लोग जानते हैं, वो भी विकसित हो चुके हैं, यहाँ पे इवॉल्व हो चुके हैं काफ़ी हद तक। लेकिन यार मुझे इसको इवॉल्व करना है, इस गैंडे को भाई। हो गया बड़ा, अब ये और बड़ा होगा। जो इसकी जो थर्ड इवोल्यूशन वाली स्टेज है भाई साहब, वो इतनी तकड़ी है कि क्या ही कहने, और उसमें ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा यहाँ पर। बट फिलहाल तो हम लोग भाई फटाफट से इनके लिए खाने पाने का इंतजाम करते हैं, प्लस हम लोग चाहें तो भाई यहाँ पर साथ में ब्रीडिंग भी करवा सकते हैं, जिससे हम लोग को एक एक्स्ट्रा नया कोई करेक्टर, यानी कि नया कोई मॉन्स्टर, यानी कि नया कोई पोकेमॉन मिल सकता है। तो आ जाओ गाइस, क्या बोलते हो, मीमो के साथ इस गैंडे की भाई साहब ब्रीडिंग करवाते हैं। अब यहाँ से हम लोग को मिलेगा 15 सेकेंड के अंदर एक एग, और बेसिकली जो मुझे लगता है ना, गेम का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से भी है कि जितना ब्रीडिंग में टाइम ज़्यादा लगता है उतना करेक्टर ज्यादा बढ़िया होता है, ऐसा सिस्टम मेरे हिसाब से गेम में है। तो फिलहाल ओए ये देखो, तो उनका जो अंडा था यहाँ पे हमने फेंक दिया है, अब ये अंडा टूटने वाला है थोड़ी देर के अंदर। फिर देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसके अंदर से हम लोग को जो पोकेमॉन मिलता है, क्या वो इन्हीं में से कुछ एक होने वाला है, या फिर कुछ नया पोकेमॉन हम लोगों को यहाँ पर आज मिलने वाला है। ये देखो गाइस, हम लोग का यहाँ पे एक आ चुका है, इसे हैच करते हैं। अब ये तो सेम ही है यार, हमारे पास ऑलरेडी ये वाला पोकेमॉन है, बट यहाँ पर ये बता रहा है कि हम लोग का जो हैबिटेट है उसमें जगह नहीं बची, तो हम लोगों को एक एक्स्ट्रा नेचर वाला लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग लगा देते हैं इस जगह पर, टैप कर देता हूँ। ठीक है, अब जो अंडा है वो यहाँ पे हम लोग रखेंगे, जिसके अंदर भाई पोकेमॉन सेम ही है, तो हो सकता है चांसेस हैं कि मैं उस वाले को सेल कर दूंगा यहाँ पर, तो हम लोगों को उसके बदले में गोल्ड बार मिल जाएंगे। ठीक है, अपना खाना पानी यहाँ चल रहा हैबिटेट हम लोगों ने यहाँ पर एक और बना लिया है। अंडे को भेजते हम लोग यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं फ्लावर से। ये देखो, अब ये वाला सेम इसी के जैसा ही है जो नीचे दिख रहा है आप लोगों को, तो इसकी हम लोगों को कुछ नीड नहीं है भाई, तो हम लोग इसको बढ़िया सेल करते हैं एकदम। यहाँ पर टैप करता हूँ जरा मैं, 50 गोल्ड में सेल हो रहा है। ठीक है यार, क्योंकि आप लोग जानते हैं ब्रीडिंग तो हमको वैसे कुछ फायदा नहीं, मतलब कुछ नुकसान नहीं हो रहा था, बहुत बढ़िया। देखो गाइस, अभी तो भाई हम लोगों का जो पूरा बेस है ये और भी स्ट्रांग बनने वाला है। हम लोगों को यहाँ पर ना पत्थर भी तोड़ने हैं, और जितने भी आप लोगों को ट्रीज दिख रहे हैं, बुशेस दिख रहे हैं, ये सब हटेगी, मतलब आइलैंड को हम लोगों को एकदम साफ करना है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे, बढ़िया से एकदम बनाएंगे अपने बेस को भाई, तुम्हें कितनी मतलब देखने में ऐसा स्वाद आ जाए। ये देखो, अब यहाँ पर जो हमारा गेंडा है, अभी वो पूरा बड़ा गेंडा नहीं बनाया, तो हम लोग को उसको भी इवॉल्व करवाना है। और हमारा जो गोरिल्ला भाई साहब यहाँ पे लेवल 7 पे आ चुका है, यानी कि एक नई जो यहाँ पर स्किल थी इसके पास आ चुकी है, लेकिन गैंडा हमारा इवॉल्व होगा लेवल 10 के ऊपर। लेवल 10 होते ही गाइस मजे आ जाएंगे, क्योंकि भाई हम लोग जाएंगे फिर हमारे पहले आइलैंड का जो मेन बॉस है उससे लड़ने के लिए, जो कि आप लोग जानते हैं फायर कॉन्ग है भाई, किंग कॉन्ग नहीं,
किंग कॉन्ग लेकिन जला हुआ, लावे वाला भाई, फायर वाला एकदम। आ जाओ थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और खाना उगा लेते हैं। यार गेम बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है खेलने में, और आप लोगों को भी भाई देखने में उतना ही मज़ा आ रहा हो, क्योंकि एक मतलब एक लह बन जाती है, एक मज़े आ जाते हैं एकदम। और मैं आपको भाई अभी बताता हूँ यहाँ पर पूरी वीडियो को आप लोग एंजॉय करना, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कभी भी कोई भी भाई एक्साइटिंग बैटल हो सकता है, कोई भी एक्साइटिंग ब्रीडिंग हो सकती है, कोई भी एक्साइटिंग नया पोकेमोन भी आ सकता है। तो भाई मैं तो सोचता हूँ यहाँ पे कि आप लोग कहीं वीडियो को छोड़ के जाओ तो भाई ये मुझे लगता है कि आप खुद के साथ ही गड़बड़ करने वाले हो। यहाँ पर पूरी वीडियो को एंजॉय करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यहाँ पर हमने यहाँ पे अपने इस वाले पोकेमोन को एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया है, हालांकि हमारे पास अभी फिलहाल तो और नहीं बचे हैं, तो मैं इसको मूव नहीं करा सकता। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। देखो जो लेफ्ट में दिख रहा है आप लोग 67 वही हमारा है, जो राइट में दिखा रहा है उससे हम लोगों को मतलब नहीं है अभी, ठीक है। तो जो लेफ्ट में शो हो रहा है वो हम लोगों का है, स्टार्टिंग मुझे लग रहा था जो राइट में आ रहा है वो हम लोगों का, पर ऐसा नहीं है, लेफ्ट वाला हम लोगों का है। यहाँ पे खाना आ चुका है यार, इस गैंडे को जाना है, एक बार ये गैंडा लेवल 10 का हो जाए ना उसके बाद भाई हमने जाना सीधा महायुद्ध करने, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो फायर कॉन्ग है भाई मुझे उससे भिड़ना है, मतलब भिड़ना है भाई साफ सीधी सी बात। एक काम करते हैं, जब तक हम लोग का यहाँ पे खाना बन रहा है और हमारा जो एक मजदूर है भाई वो तो पत्थर तोड़ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन हमारा जो दूसरा मजदूर है भाई ये पड़ा है खाली, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको भी हम लोग यहाँ पर किसी ना किसी काम में भाई ज़रूर से लगाएंगे। यहाँ पर देख लो, आने दो आने दो आने दो, खाना आने दो, ये अच्छी बात है कि अब हमारे पास यहाँ पर तीन तीन फार्म हो चुके हैं, तो हम लोगों को खाना बढ़िया से आ रहा है। दिख रहा है आप लोगों को फायर कॉन्ग, इससे भी फाइट होने वाली है। आ जाएगा इस, स्टार्ट करते हैं बैटल को फटाफट से। आप लोग चाहें तो यहाँ से हमारे जो पोकेमोन की पूरी टीम है हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम लोगों को पहले डी सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई पोकेमोन को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं यार, क्या मैं चेंज करूँ या रहन दूँ, क्योंकि मेरा मन है भाई एक बार कि हम लोग गैंडे से खेल के देख लेते हैं कि भाई गैंडा लेवल 9 का है भाई, मतलब इस समय मेरे डेक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन जो है वो गैंडा ही है भाई साहब, गैंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। ऑलराइट गाइस, चेकआउट करते हैं बैटल की, शुरुआत करते हैं भाई पोकेमोन 3v3 का बैटल, चेक करते हैं गैंडे की पावर क्या है। ये अटैक मारूंगा तो 45, ये मारूंगा तो 54, और तीसरी जो इस गैंडे की पावर है वो क्या है, अच्छा शील्ड बना देगा। तो आई गेस हम लोग भाई हमला करते हैं सीधा और मारते हैं ये, जरा देखते क्या मारता है भाई। आ जाओ, अरे 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 भाई 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 इसने तो सींगे, अरे वो भी मार रहे हैं यार। अब यहाँ चेक करते हैं, 36 का डैमेज मिलेगा और दूसरी पावर से मिलेगा 43 का, तो हम लोग 43 यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऊपर तो भाई वीक पड़ रहा है, कुछ फ़ायदा नहीं। नाइस, अब बारी है हमारे इसकी फायर सॉर की, तो ये तो मारेगा भाई साहब तगड़ा लेवल, 140 मिल रहा है डैमेज वहां पर भाई। देखो यहां तो भाई उसको ही मारना बनता है, बड़ी नाइस। ओ नहीं 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 नहीं, अरे भाई ये मरेगी मरेगी मरेगी, इसकी हेल्थ बहुत कम बची है। अब क्या करा जाए, क्या मैं इसको यहां पर शील्ड प्रोवाइड करूं? एक काम करते हैं, डायरेक्टली हम लोग हमला कर लेते हैं कम से कम, मतलब भाई यहां पर इनका कम से कम एक पोकेमोन तो मारे। खत्म हो चुका है, अब ये मर जाएगी हमारी वाली जो है, बट भाई मरते मरते हम लोग यहाँ पे एक बढ़िया सा डैमेज देके जाएंगे, ताकि भाई साहब लड़की ने बढ़िया काम किया पता लग जाए हम लोगों को। हाँ भाई ये फीमेल पोकेमोन है, और अभी तेरी बारी भाई, तू तो मार दे, खत्म कर दे इसको आज, मार नीचे को मारते हैं, मैं तो कह रहा हूँ। गया, बढ़िया, लेकिन हमारा भी एक पोकेमोन मरेगा पक्का यहाँ पे, क्योंकि अटैक करने वाली है पक्का बीच वाले पे। खत्म, बट कोई नहीं, हमारे अभी भी यहाँ पे भाई एक फायर टाइप पोकेमोन और एक यहाँ पर ग्रास टाइप पोकेमोन बचा हुआ है, तो खत्म करते हैं इसको। आ जाओ गाइस जल्दी से, 54 का डैमेज मिल रहा है यहाँ पर और 40 में, तो भाई मारते हैं 54। ये ले ये ले, अरे अभी भी नहीं मरी। एक काम करते हैं, दोबारा से हम लोग यूज कर लेते हैं, हाँ 54 नाइस। और अब यहाँ पे गाइस एंडिंग करते हैं हम लोग इसके साथ, खत्म, जला दिया भाई, नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही तगड़ा बैटल। हालांकि असली मजा तब है जब आपके भाई यहाँ पर तीनों ही पोकेमोन बच जाएं, जिसके लिए थोड़ा सा आपके पोकेमोन को एडवांस लेवल करना पड़ेगा, यानी कि हम लोगों को इनको और तगड़ा करना पड़ेगा। लेवल 8 हो गया है, तालियां गाइस, डंजन आ चुका है और फार्म हम लोग यहाँ पर अब एक और लगा सकते हैं, तो भाई हम लोग फार्म को भी लगाएंगे और हम लोगों के जो बैटल्स हैं हम लोग वो भी कंटिन्यू यहाँ पर करने वाले हैं।
फिलहाल ये पूछ रहे हैं कि क्या आप लोगों को मजा आ रहा है गेम खेलने? भाई गेम खेलने में मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन रेटिंग हम बाद में दे देंगे। भाई हम लोग डायरेक्टली आपकी गेम की वीडियोस डाल रहे हैं अपने चैनल के, भाई और के बच्चे की जान लोगे, बंद करा जाए इसे। आए गाइस, उठाते हैं हम लोग यहाँ पे खाना। हम लोग एक और फार्म लगा सकते हैं ऐसा हम लोगों को बताया गया था, तो हम लोग यहाँ पे भाई एक और फार्म लगाएंगे, और तब तक हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इस वाले आइलैंड की कहानी क्या है। प्लस हम लोगों को यार अभी तो पोकेमॉन्स को और भी इवॉल्व करना है, काफी काम करने हैं गाइस। लगता है आज सो नहीं पाएंगे हम लोग रात को। बहुत बढ़िया, अब हम लोग यहाँ पे अपने गेंडे को अपग्रेड कर सकते हैं भाई, फटाफट से करते हैं। आ जाओ, कहाँ है अपना गेंडा? ये रहा, लेवल 9 का है ना, 10 करना है, 10 करते इवॉल्व हो जाएगा यार। 80 और चाहिए, बस 80 और चाहिए भाई। आई गेस 3 तो हम लोगों को, 30 तो यहीं से मिल जाएगा, 10 20 30 50 और चाहिए बस। अगर हमारे पास यहाँ पे 50 और आ जाएंगे तो अपना काम बन जाएगा भाई। कोई नहीं, आ जाएंगे जल्दी से वो भी। तब तक हम लोग ये काम करते हैं यार, नीचे जो हमारे मजदूर काम कर रहे हैं ना वो तो करते रहेंगे। तब तक हम लोग यहाँ पे एक फाइट कर लेते हैं बढ़िया से एकदम। आ जाओ, ओ इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन आया हुआ है, साथ में आया हुआ है वाटर टाइप पोकेमॉन, ठीक है। लेकिन ये से दो ही है, लगता है स्ट्रांग होंगे भाई काफ़ी। लाइटिंग मार रहा है, ओ नहीं 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 ऐसे नहीं, गेंडा ही मारेगा मैं तो कह रहा हूँ। हाँ ये मारते हैं, बढ़िया नाइस। नहीं मेरा फायर टाइप पोकेमॉन था, इसने भाई उसके ऊपर पानी डाल दिया तो ऑब्वियसली उसको डैमेज मिलेगा बहुत ज्यादा। बड़ा चाटा, नाइस। और तू तो भाई कुछ खत्म कर दे, खत्म कर दे काम, खत्म कर दे इसका आज। हाँ नहीं ये नहीं, ये नहीं वही मारेंगे। हाँ ये मारते सीधा मर जाएगी, हालांकि एक की हेल्थ बच्चे की देखते हैं। ले ले बर्निंग इफेक्ट से ही मर गई। हाँ ये बढ़िया, अब बचा है बस यहाँ पे इनका वाटर टाइप पोकेमोन, इसको भी हम लोग जल्दी से मार देते हैं फटाफट से। ये मार, बढ़िया स्ट्रॉन्ग है काफी ज्यादा। तेरी तो मुझसे पंगा लेगी, 43 का डैमेज मिल रहा है और 36 का, तो भाई हम मारते हैं 43 वाला। बड़ा चाटा, नाइस। और लास्ट में 56 का डैमेज 46, तो एक काम कर 56 वाला मार देते हैं, है ना। ये चाट है, चाट है। लेकिन यार मुझे लगता है कि शायद अभी भी हम लोगों का ये एक पोकेमोन मार सकते अगर चाहे तो, बट नहीं यार गेंडा बहुत तकड़ा है भाई। गेंडे ने बढ़िया काम कर दिया, हमारे यहाँ पर तीनों ही पोकेमोन जिंदा है, यानी कि हम लोगों को फायदा हुआ। और साथ हम लोगों को मिलती है स्पिन करने के लिए विन, रिवॉर्ड जो आएगा हम लोगों को भाई फ्री में मिल जाएगा। 250 फूड मिल चुका है, यानी कि अब हम लोग अपने गेंडे को अपग्रेड भी कर सकते हैं। प्लस बाहर भी हम लोगों का जो खाना है वो वेट कर रहा है। आओ उठाते हैं खाना, खाने को वापस से लगाते हैं भाई कुकिंग पे, और अपने गेंडे को करते हैं अपग्रेड। ये देखो, ओ भाई अब जो ये मारेगा भाई मजे आ जाएंगे, मजे आ जाएंगे बॉयस, ठीक है। अब खाना बन रहा है, मजदूर काम कर रहे हैं, सारे अपने जो मेन करेक्टर्स हैं, हमारे जो मेन पोकेमोन है वो भी हम लोगों ने अपग्रेड कर लिए हैं बढ़िया से एकदम, है ना। यानी कि इस समय हमारी जो हालत है वो काफ़ी हद तक थी बढ़िया से कि हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं भाई, ठीक है। हम लोग चेक कर लेते हैं हम लोगों के गोल्स के अंदर, तो हम लोगों से गोल्स में जो जो कहा था हम लोग वो कर लेते हैं। तो हम लोगों को करना है इसको रोकिला को लाना है, तो हमने यहाँ पर रोकिला का जो एग था हमने वो बाय कर लिया है। अब लेकिन देखो रोकिला जो पोकेमोन हमारे पास है वो ऑलरेडी है यहाँ पर, देख रहे हैं लेवल 7 का, लेकिन उन्होंने हमारे पर टास्क में दिया हुआ है, और टास्क जब आप लोग करते हैं कंप्लीट तो मिलते हैं आप लोगों को रिवॉर्ड। तो हम क्या करेंगे, जब ये अंडे में से तो निकल के भाग जाएगा, हैच हो जाएगा जब, तो पोकेमोन आ जाएगा, उसको हम लोग फिर सेल कर देंगे। उससे होगा क्या, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हम लोगों को रिवॉर्ड भी मिल जाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा पोकेमोन सेम सेम लेने का कुछ फायदा नहीं, तो हम लोगों को गोल्ड बार्स भी मिल जाएंगे उसको सेल करने के बाद, ठीक है। यानी कि एक तीर से दो निशाने, नोटिफिकेशन हट जाए। आए गए, अपना अंडा तैयार हो चुका है, ये देखो भाई कितना प्यारा सा है पोकेमोन यहाँ पर, ये वाला हमारा, लेकिन हम पे ऑलरेडी था ये वाला। अब देखते हैं क्या इसको हैचिंग भी करवानी है। हाँ भाई हैच के लिए बोल रहे हैं यार वो। अब इसके लिए हम लोगों को चाहिए हैबिटेट हमारा रॉक वाला, वो हमारे पास है और एक्स्ट्रा। पोकेमोन तो सेम ही है, लेकिन अपने पास जगह नहीं है भाई, जगह चाहिए हम लोगों को। अर्थ वाला हैबिटेट हम लोगों को वो देखो वहाँ बना सकते हैं, लेकिन यार ये बहुत कंजस्टेड सा हो जाएगा यार, क्या कोई और जगह नहीं है? ओ ये देखो 15 सेकंड के अंदर नीचे से पत्थर टूट जाएगा, हमारा मजदूर जो काम कर रहा है हटा देगा,
शायद फिर हम लोगों को इतना स्पेस मिल जाए कि हम लोग ये वाला हैबिटेट जो है अर्थ का ये वहां लगा सके। तो वेट करके देखते हैं एक बार सारा। 5 हो गया, देखो 4 हो गया है, 3। अरे भाई नोटिफिकेशन हट जाओ यार, बहुत तकड़ा गेम चल रही है भाई, यहाँ पर मजा आ रहा है प्रॉपर एकदम। टैप करते हैं गाइस, अब देखते हैं कि क्या हम लोग लगा सकते हैं इस वाले हैबिटेट को या फिर नहीं। टैप कर, लगा सकते हैं, मजे आ गए। अब जैसे ही बन जाएगा हम लोग उस वाले अंडे से तोड़ के पोकेमोन को डाल देंगे यहाँ पर और फिर उसको कर देंगे सेल। ठीक है, तब तक हम लोगों का जो खाना है वो बनने वाला है। हम लोग जल्दी से चलते हैं भाई, एक बैटल कर लेते हैं पहले आइलैंड का जो लेवल 8 होने वाला है। ये देखो अपने गैंडे को देख रहे हो भाई, गैंडा कुचल देगा आज। आ जाओ गाइस। अबे बब्बर शेर कहाँ से लिया जलता हुआ भाई साहब? अरे भाई 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 भाई, बट कोई नहीं, हमारे पास भी गैंडा है बेटे। गैंडे से तेरे इतनी सींगे मारेंगे, इतनी बढ़िया तेरी मार लगने वाली कि क्या ही कहने। 115 का डैमेज दे रहा है, मारते। ओ बब्बर शेर की तो ऐसी की तैसी कर दी भाई। और देखते हैं जरा क्या सीन है, 36 का डैमेज दे रहा है। ठीक है फिर 43 वाला मारते हैं, ये ले बढ़िया। और अब बारी है, ओरे ओरे ओ यार, इन लोगों ने हम लोगों का पहला पोकेमोन मार भी दिया। नहीं अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 ही पोकेमोन बचे हैं, और भाई ये 3 बचे हुए हैं अभी। गाइस क्या हम लोग यहाँ पे इस बैटल को हार जाएंगे? मार गैंडा स्वामी, अब तेरी बारी है, मार दे इनके सींग। तुझे मारता हूँ पहले तो मैं, हाँ पहले इसे मारते हैं, इसकी थोड़ी हेल्थ कम बचेगी ना 69 वाले की। अबे नहीं, लेकिन नीचे मर जाएगा। हाँ अब ये मर गया। अब सीन क्या हुआ कि 2-2 की बात हो गई, तो यानी कि उसको एक्स्ट्रा टर्न नहीं मिल पाएगी। ओ अरे भाई ओ नहीं, बहुत ज्यादा मार रहे हैं हमारे पोकेमोन्स को ये, बट कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास यहाँ पे कुछ उम्मीदें हैं जीतने की। पाड़ी चलो, ये तो मरने वाला है, अब इसे मार देते, खत्म करते हैं ऐसा काम, चल तेरी। अब बस यहाँ पे बचा हुआ है एक बब्बर शेर। बब्बर शेर को मारने के लिए यार कुछ, ओ 115 का डैमेज दिया इसने। भाई तेरी तो नखून मार दिए मेरे ड्रैगन के। फायर सोर, खत्म कर इसका काम, चल तेरी। हमसे पंगा ले रहा था, आइए। नाइस, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और पता है जिस जिस पोकेमोन के साथ आप लोग बैटल करते हो ना, उसका लेवल अपग्रेडेशन भी होता है यहाँ पर। गाइस हम लोग का बन चुका है यहाँ पर अर्थ वाला हैबिटेट, यानी कि अब हम लोग यहाँ पे अपने इस वाले पोकेमोन को प्लेस करेंगे उस वाले हैबिटेट के अंदर। कर दिया। अब हमारा लेफ्ट साइड से जो गोल्स की लिस्ट थी उसमें से ये टास्क कंप्लीट हो गया, टिक लग गया, रिवॉर्ड मिल जाएगा अपने को, मिल गया देख लो। अब हम लोग कर देंगे यहाँ पर इसको सेल, सीधा सा फंडा है भाई, क्योंकि सेम पोकेमोन है यहाँ पर, तो भाई डुप्लीकेट अपने को तो नहीं चाहिए भाई। अब देखो यहाँ पे नए नए टास्क आ चुके हैं, यानी कि इस वाले रॉक पोकेमोन को हम लोग यहाँ पे टाटा बाय बाय कर सकते हैं। तो अभी भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे भाई, बाद में भी कर सकते हैं, कोई जल्दबाजी वाली बात यहाँ पे है नहीं। 29 पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, यानी कि अभी हम यहाँ पे इस वाले आइलैंड को भी मूव नहीं कर सकते हैं। यार फर्स्ट आइलैंड का ना लास्ट मेन बैटल होने वाला है हम लोगों का, जो कि उसके साथ है फायर कॉन्ग के साथ, और मुझे लगता है कि भाई वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो उसको मारने के लिए हमारे जो पोकेमोन्स हैं यार, ये भी हम लोगों को उस लेवल के चाहिए। फिलहाल हम लोग यहाँ पे भाई एक और फार्म को लगा देते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो सप्लाई है हमारे खाने की भाई, मैं चाहता हूँ वो एकदम अनलिमिटेड चलती रहे। अब ये 4 हो गए हैं है ना, 4 ही हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, हम लोगों को चाहिए यहाँ पर लेवल 10, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे 5वां लगा पाएंगे। ठीक है, हालांकि हम लोग चाहें यहाँ पर तो अपने इनको अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं फार्म्स का। ठीक है, तो एक पोकेमोन 2, 3, 4, 5, 6 हो चुके हैं, और फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पे कोई ब्रीडिंग है तो नहीं लगा रखा है। ठीक है, अब इन 4 के अंदर तो यहाँ पे खाना बन ही रहा है, और 8 मिनट के अंदर हमारा जो पहला मजदूर है भाई, वो पत्थर को तोड़ देगा, यानी कि वहां से जगह खाली हो जाएगी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ना खाना इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर इनको खिला पिला के हम लोग चलते हैं भाई बैटल करने के लिए। साफ सीधी सी बात है भाई, क्योंकि भाई हमारे पहले आइलैंड का जो फाइनल बॉस है, जो फायर कॉन्ग है भाई, उससे बैटल होने वाला, तो वो बहुत तकड़ा तो होगा ही होगा भाई, पक्की बात है भाई एकदम। तो उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि हम लोगों के साथ पोकेमोन्स भी ऐसे ले जाने पड़ेंगे जो उस लेवल तक लड़ाई को झेल पाए भाई। सो गाइस अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर करने वाले हैं बैटल जो हमारे फर्स्ट आइलैंड का मेन ड्रैगन है, मेन पोकेमोन है उसके साथ।
आई होप आप लोगों को मजा आएगा भाई। रेडी रहे हम लोगों की यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो फटाफट से एकदम भाई।